हेलो एवरीबॉडी, दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चलिए दोस्तों, आज हमारे राजस्थान के संबंधित आज हमारा अध्याय है राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनके राज्य क्षेत्र के संबंध में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि राजस्थान के प्रमुख राजवंश और इनके राज्य क्षेत्र के संबंधित इस वीडियो में कौन सा टॉपिक पीछे रह चुका है। अगर नहीं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों बिना टाइम को वीडियो को करते हैं शुरू। आरपीएससी से लेकर छोटे से छोटे एग्जाम तक राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनके राज्य क्षेत्र पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों इस एक छोटे सी वीडियो में मैं राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनके राज्य क्षेत्र को बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर राजवंश और राज्य यानी कि सोहान वंश, राजस्थान में सोहान वंश दोस्तों बूंदी कोटा और सिरोही से प्रसिद्ध थे। यानी कि सोहान वंश दोस्तों, सोहान वंश का राज्य था बूंदी कोटा और सिरोही तक सीमित था। यादव वंश दोस्तों जैसलमेर और करौली तक सीमित था। गहलोत वंश दोस्तों उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा तक सीमित था। आगे दोस्तों कसवा वंश था, कसवा वंश जयपुर अलवर और भरतपुर तक सीमित था। और दोस्तों परमार वंश दांता और ठिकाना नाम के स्थान पर दोस्तों इनका राजवंश था। राठौड़ वंश दोस्तों जोधपुर बीकानेर और किशनगढ़ के प्रसिद्ध थे और इनका ये राज्य क्षेत्र था। और दोस्तों भाटी वंश जैसलमेर के राजवंश से थे और झाला वंश के नाम से दोस्तों झालावाड़ के राज्य क्षेत्र में अपने राज्य का योगदान झाला वंश झालावाड़ा तक सीमित था। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो राजस्थान के प्रमुख राजा और उनके काल के संबंध में है। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।